बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो सरदार अमजद यूसुफ साहब, जो टीवी पे बैठे हुए टोटे होते हैं ना, वो कह कह के थकते नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। थकते ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सुबह तक महदूद हो चुका है। मैं उन सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि जरा आंखें खोल के देखें, अब्बासपुर के पहाड़ों के तरफ देखें। अगर यहां अब्बासपुर के पहाड़ों में मेरे माए बहने इतने बड़ा सकते हैं, अगर अब्बासपुर के पहाड़ों में मेरे जम्मू एंड कश्मीर के पीएसएफ के नौजवान खड़े हैं, अगर अब्बासपुर के छतों पे भुट्टो शहीद के जाने वाले जमे हुए हैं, अगर अब्बासपुर के छतों पे भुट्टो शहीद के बुजुर्ग जाने वाले भी जमे हुए, आप कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, और आने वाले कल आप देखें, आने वाले कल में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नजर आएगा आपको। ये तो आपके लिए चुके हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन्हें इन जियालों के साथ मिलकर जिदोजहद किया है। कश्मीर के जियालों ने कायदे आवाम के साथ देख के तारीख रकम किया था। कश्मीर के मां बहनों ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ देके तारीख रकम की थी। आपने मुस्लिम उम्मा में पहली खातून वजीर आजम आपने बनाया था, और इंशाल्लाह ताला 25 जुलाई को आप आजाद कश्मीर का वजीर आजम मुंतखब करके आजाद कश्मीर का वजीर आजम मुंतखब करके इस्लामाबाद की तरफ हम रुख करेंगे, बड़ी गाला की तरफ हम मोड़ेंगे, वहां से भी हम कठपुतलियों को भगाएंगे। साथियों, साथियों आप जानते हो कि ये इलेक्शंस कितने अहम हैं। ये तारीख में कश्मीर के लिए सबसे अहम तरीन इलेक्शंस है। इस इलेक्शंस में आप अपने वोट की ताकत से बॉर्डर का उस पहाड़ के लिए एक पैगाम भेजेंगे, और बॉर्डर का इस तरफ के लिए भी आप एक पैगाम भेजेंगे। दोनों तरफ के लिए एक ही पैगाम होगा, दोनों तरफ के लिए एक ही पैगाम होगा कि कश्मीर पे सौदा ना मंजूर, कश्मीर पे सौदा ना मंजूर, कश्मीर पे सौदा ना मंजूर। जब हम कहते हैं कि कश्मीर पे सौदा ना मंजूर है,
तो इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है कि मकबूजा कश्मीर में जो बच जो सब कुछ हो रहा है वो आजाद कश्मीर के अवाम के लिए नाकाबले बर्दाश्त है। जब हम कहते हैं कि कश्मीर का सौदा नामंजूर है तो इसका मतलब ये है कि हम मोदी के इलेक्शन जीतने के लिए दुआ नहीं मांगते, हम मोदी को अपना शादियों की दावत नहीं देते, हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम मोदी के आंखों में आंखें डालकर जवाब देने को तैयार है। हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि तारीख का बदतरीन जुल्म उस तरफ हो रहा हो, तारीख का बदतरीन जबर उस तरफ हो रहा हो और बनी गाला का कठपुतली खामोश हो। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि उस तरफ जुल्म की तारीख का रकम रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं और हमारे यहां कठपुतली नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहता है, पूरी दुनिया को पूरी पाकिस्तान को मायूस छोड़ता है कि तारीख का सबसे बदतरीन जुल्म और इमरान का जवाब होता है कि मैं क्या करूं। हम तो जियाले हैं, हमें कायदे आवाम ने सिखाया है कि हजार साल जंग लड़ना पड़े तो लड़ेंगे मगर हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकते। हम तो जियाले हैं, हमें बचपन से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये सिखाती रहती थी, ये कहती रहती थी कि जहां हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। तो हम कैसे खामोश नहीं, क्या आप मुतमईन हो? मैं आपसे पूछता हूं, अब्बासपुर के अवाम से पूछता हूं कि मोदी का एक तरफ जुल्म हो रहा है दूसरी तरफ इमरान खान का जवाब है, क्या आप इमरान खान के जवाब से मुतमईन हो? इमरान खान का जवाब क्या है? तारीखी जुल्म हो और हमारा ठोस कदम, हमारा दुनिया को जवाब क्या हो कि कश्मीर हाईवे को हम श्रीनगर हाईवे का नाम दे रहे हैं? मुंह तोड़ जवाब क्या होता है इमरान का? मुंह तोड़ जवाब क्या होता है मोदी को कि अपना ही नक्शा पे हम थोड़ा सा तब्दीली करके दुनिया को दिखाएंगे कि असल में ऐसे ही कश्मीर लगता है? हम समझते हैं कि अगर जवाब देना है तो कश्मीर के नौजवान जवाब देंगे, हम समझते हैं अगर जवाब आना है तो हमारे कश्मीर के माए बहने जवाब देंगे, हम समझते हैं कि जब तक आजाद कश्मीर के नौजवान खड़े हैं तब तक हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो कश्मीर पे सौदा करने के सोचे। मुकदमा लड़ना है तो हमने कश्मीर के अवाम के साथ मिलके ये मुकदमा लड़ना है, कश्मीर के लिए स्टैंड लेना है तो फैसला करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि इस खत्ते के मुस्तकबिल के फैसले, यहां के अवाम के मुस्तकबिल के फैसले सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी करेंगे, कश्मीर के अवाम करेंगे। हम आपके फैसले पे चलते हैं, आपके हुक्म पे चलते हैं, आप हुक्म करो कि अमन होना है कल अमन होगा, आप हुक्म करो। मेरे जम्मू एंड कश्मीर का
पे सैफी हुक्म करे, आप हुक्म करे कि जंग होगा तो जंग होगा, कल जंग होगा, मगर पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि कश्मीर डिक्टेशन पे नहीं चलता। कश्मीर के अवाम 70 सालों से जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो किसी का डिक्टेशन नहीं माने हैं, वो किसी का दबाव में नहीं आए हैं, वो खुद फैसला करेंगे, वो खुद फैसला करेंगे, और जो भी उनका फैसला होगा, इस्लामाबाद को भी मानना पड़ेगा और दिल्ली को भी मानना पड़ेगा। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी फलसफा है कश्मीर के बारे में, ये हमारे बुनियाद से लेके आज तक हमारा यही पॉलिसी चल रहा है। जब से कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने नारा लगाया कि हमारा नारा सब पे बारी राय शुमारी, हमारा नारा सब पे बारी राय शुमारी, तो ये हमारा सोच था, ये हमारा सोच है और कल के लिए भी हमारा सोच रहेगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा, कोई और नहीं करेगा। जब हम कहते हैं कि कश्मीर का सौदा नामंजूर, तो हां मकबूजा कश्मीर पे पूरा कश्मीर का सौदा भी नामंजूर है, लेकिन कश्मीर में आजाद कश्मीर में बसने वाले अवाम पे आपके हकूक पे भी सौदा नामंजूर है, आपके हकूक पे डाका नामंजूर है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से ये कठपुतली पूरा पाकिस्तान का खून चूस रहा है, जिस तरीके से ये कठपुतली ने पूरे पाकिस्तान को मुआशी बहरान में धकेल दिया है, 25 जुलाई को फैसला होगा और 25 जुलाई के फैसले के मुताबिक कश्मीर का मुस्तकबिल के फैसले भी तय करेंगे। कश्मीर के अवाम ने सबको भुगता है, आपने सबको भुगता है, आपने देखा है कि पाकिस्तान में इस बुजदिल का पुतली ने क्या किया है, आपने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे इस का पुतली ने क्या किया है। अब आप पे जिम्मेदारी है, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आजाद कश्मीर को बचाए, आप मुजफ्फराबाद को बचाए इस नालायक ना अहल कठपुतली सिलेक्टेड से। ये आपका जिम्मेदारी है, आपने हर वोट निकालना है, आपने हर वोट निकालना है, अपने बुजुर्गों को साथ लेके चलना है, नौजवानों को निकलना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, हमारे माए बहने को भी निकलने पड़ेंगे। आपको पूरे ताकत के साथ 25 जुलाई को वोट डाल के तीर पे थप्पा लगा के इन कठपुतलियों को भगा के कश्मीर को बचाना पड़ेगा। जिस तरीके से इमरान ने पूरे पाकिस्तान में अपना तब्दीली का असल चेहरा सामने लेकर आया है, तब्दीली का असल चेहरा क्या है, तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है, तब्दीली का असल चेहरा तारीखी बेरोजगारी है, तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई है। ये आप देखें कि महंगाई का जो शरा है पाकिस्तान में, हम भारत से भी आगे हैं माशाल्लाह, महंगाई में हम तो बांग्लादेश से भी आगे हैं, हम जंग सदा अफगानिस्तान से भी आगे हैं। ये किस किस्म का सियासत है, ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है जो 1 करोड़ नौकरी का वादा करे और जिनके जब हुकूमत में आए तो जिनके पास रोजगार हो उनको भी बेरोजगार किया जाए। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है, ये किस किस्म की सियासत है कि वादा करे 50 लाख घर बनाने का, वादा करे 50 लाख घर बनाने का, तो हुकूमत में आए जिसके पास छत मौजूद था उससे भी छीन लिया। आप इस मुनाफिक को पहचाने, ये झूठ बोलता है, ये यू टर्न लेता है, ये अमीरों
जाता है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख है कि हमारा हर दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम आदमी के साथ दिया, गरीब तबका के साथ दिया। कायदे आवाम का दौर हो तो किसान को जमीन का मालिक कायदे आवाम ने बनाया, मजदूर को हुकूक मिला तो कायदे आवाम ने दिलवाया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आम थी, बीबी के लिए तो नारा थी कि बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी। वो क्यों ये नारा लगाते थे? वो इसलिए कि शहीद बीबी ने रोजगार दिलवाने में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। शहीद बीबी ने हमारे नौजवान को भी रोजगार दिया, मर्दों को भी रोजगार दिया, औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी। पूरी मुल्क में लेडी हेल्थ वर्कर्स का निजाम खड़ा करके हर गांव में, हर जिला में, हर शहर में, देहातों में इस मुल्क के खवातीन को भी रोजगार दिलवाए। हम समझते हैं कि अगर आप आवाम को रोजगार दिलवाते हैं, आप उनको मजबूत बनाते हैं, तो फिर आप इस किस्म के मुआशी बहरान का मुकाबला कर सकते हो। आज भी महंगाई है, तारीखी महंगाई है, लेकिन हमारा दौर में भी महंगाई था। जब सदर जदारी सदर था तो पूरी दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो चुका, फाइनेंशियल रिसेशन था, और उस दौरान हमने अपने अवाम को इस महंगाई की तूफान में, इस मुआशी बहरान में हमने अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा, जैसे ये कठपुतली ने आपको 3 सालों से वहां लावारिस छोड़ा है। हमने अपने दौर में देखा, हमने अपने दौर में देखा कि अगर महंगाई है, अगर महंगाई है तो हम फिर इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के हाथ में पैसा पहुंचाएंगे, और हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में वो पैसा पहुंचाया था। हमने देखा कि मुआशी बहरान है, महंगाई है, हम अपने अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। हमने तनख्वाहों में 120% इजाफा किया। हमने जब देखा कि महंगाई है तो हमने अपना बुजुर्गों को लावारिस नहीं छोड़ा, हमने 100% अपना पेंशन्स में इजाफा किया। जब हमने देखा कि महंगाई है, तारीखी महंगाई है, और साथ साथ हमारा सरहदों को भी दिफा कर रहे हैं, दहशतगर्दों का भी मुकाबला कर रहे हैं, तो हमने ये फैसला किया कि पाकिस्तान का सोल्जर, पाकिस्तान का सिपाही खाली पेट नहीं सोएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये हुकूमत का फैसला था कि 175% हमने फौज की तनख्वाह में, सोल्जर्स की तनख्वाह में इजाफा किया। वो इसलिए कि अगर आप आम आदमी के साथ देते हो, अगर पूरे का पूरा रियासत आम आदमी के साथ देता है, तो फिर हम महंगाई का भी मुकाबला कर सकते हैं, हम मुआशी बहरान का भी मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर इमरान की तरह एक तरफ महंगाई हो, गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, और ऊपर से आप और लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, तनख्वाह में इजाफा ही नहीं कर रहे हो, पेंशन में इजाफा नहीं कर रहे हो, तो फिर आप आवाम को ज्यादा तकलीफ में धकेल देते हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है, और आपसे मैं वादा कर रहा हूं, इंशाल्लाह ताला 25 जुलाई को आप हुकूमत बनाएंगे, 25 जुलाई को आप जियाला वजीर आजम मुंतखब करेंगे, इंशाल्लाह ताला पहला बजट में हमारा पहला काम ये होगा, हमारा पहला काम ये होगा कि सारों का तनख्वाह में इजाफा होगा, पेंशन में इजाफा होगा, हम अपना टीचर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ेंगे। और आप देखेंगे कि जब हुकूमत आम आदमी के साथ देते हैं, जब हुकूमत आम आदमी की जेब में पैसा दिलवाता है, हाथ में पैसा दिलवाता है, तो कैसा पाकिस्तान का मईशत उठ खड़ा हो जाता है। ये पाकिस्तान के लिए अब ऑप्शंस हैं, आपके लिए ऑप्शन है। आप अपने वोट के बुनियाद पे
अपने वोट की ताकत पे ये फैसला आपको करना पड़ेगा कि क्या आप आजाद कश्मीर में भी एक सिलेक्टेड हुकूमत चाहते हो, क्या आप आजाद कश्मीर में भी एक कठपुतली वजीरे आजम चाहते हो, क्या आजाद कश्मीर में भी एक ना लायक ना अहल ना जायज निजाम चाहते हो। अगर नहीं तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना पड़ेगा, अगर नहीं तो आपको तीर के साथ देना पड़ेगा, अगर नहीं तो आपको कायदे अवाम और शहीद बीबी के जमात के साथ देना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ताला अगर आप हमारे साथ देते हो, अगर आप हमारे साथ देते हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने 3 साल से इस कठपुतली का मुकाबला किया, 3 साल से इस सिलेक्टिव निजाम से हमने ही मुकाबला किया। आपने देखा कि पहले दिन से हम उठ के नेशनल असेंबली में इसको इसका अपना असल नाम से पुकारा था, पहले दिन को हमने इसको सिलेक्टेड का नाम दिलवाया था। और हमारा वजीर आजम इतना होशियार है कि वो 7 साल डेस्क बजा रहा था और उस दिन से इतना खौफ ज़दा हो चुका है, इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका है कि अगले बार वो तो मेरा स्पीच के दौरान तो नजर ही नहीं आया कि खुदाना खास्ता ना चाहते हुए भी वो फिर से डेस्क बजाना शुरू कर। हमने तो उसको हर मरहला पे टफ टाइम दिया। आप सोचे हम अपने इस हर मुखालिफ के पास पहुंचे सारे माजी को भूल के कि बीबी शहीद के साथ क्या किया गया, सदर जरदारी के साथ क्या किया गया। हम तो अपने मुखालिफ को मिलने के लिए सियासी मुखालिफ हम तो जेल तक पहुंचे कि पूरे पाकिस्तान को एक होना पड़ेगा अगर हमें सिलेक्टेड को भगाना पड़ेगा। हम तो उस जेल तक पहुंचे और हमने तो कहा कि देखो अब हमारा मुखालिफ नहीं नजरियाती बन चुका है। हमने जेल में बैठकर उसको नजरियाती बनाया था। फिर उनके पूरे खानदान से मिले, पूरा का पूरा खानदान से मिले और बहुत इज्जत है उन पूरे सब के साथ। इज्जत तो है, इज्जत के साथ सियासत चलता है, इज्जत के साथ सियासत चलता है। और अगर आपने वाकई ही मुकाबला करना है इमरान का तो साथ हमने मिलके काम तो करना था। आप मुझे मना करते थे, जियाले हमें मना करते थे, आपका बात सुनना चाहिए था। पता लगा उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में, वो तो यही बुजदार और यही कठपुतली को चलाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के अवाम अगर तकलीफ में है, पाकिस्तान के अवाम अगर मुश्किल में है तो वो मुश्किल में रहे, वो हमारे साथ मिलके इमरान को गिराने को तैयार नहीं है। अगर वो गिराने को तैयार नहीं है तो उनको जरूरत ही नहीं है। हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, हम जियालों के साथ मिलके काम करेंगे। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते हुए होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीरे आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। पांव आप पकड़ सकते हो, जियाले ने तो सर खो चुके हैं, जेल भुगते हैं, कोरे खाए हैं, हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे। हम जिद्दोजहद करेंगे, हम आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे, हम अपने अवाम के हकूक पे सौदा नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप नहीं भगाना चाहते हो तो घर बैठ जाओ, हम बुज़दार को भी भगाएंगे, हम इमरान को भी भगाएंगे, हम पाकिस्तान के अवाम को।
निजात दिलाएंगे। ये किस किस्म का सियासत है? हमने इमरान को ओपन प्लेइंग फील्ड कहीं नहीं दिया, हर जगह उसका मुकाबला किया, जानते हुए कि इतनी ताकतें उसके पीछे हैं, गैर जमहूरी ताकतें साथ होंगे, लेकिन अगर आवाम हमारे साथ है तो हमने पहले भी उनको शिकस्त दिलवाया और आज भी उनको शिकस्त दिलवा सकते हैं। हमने इनको, आपको पता है हमारे दोस्त क्या चाहते थे? वो तो चाहते थे कि बाय इलेक्शंस में हम इमरान के लिए बाय इलेक्शंस में बिला मुकाबला छोड़े, हमको बाय इलेक्शंस पूरा मुल्क में हो रहे हो और हम इमरान खान साहब को तोहफा में ये सीट्स दिलवा दे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिम्मत था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच था कि बॉयकॉट नहीं, हम तो लड़ेंगे। जब मेरे जियालों ने ये फैसला किया, फिर बाद में इनमें हिम्मत आया कि वो भी बाय इलेक्शंस का फैसला लें, वो भी बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। और जब बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेना शुरू हो गया तो पख्तूनख्वा से लेके पशीन तक, पशीन से लेके कराची तक, कराची से लेके पंजाब तक, जगह जगह कठपुतली को शिकस्त, बल्ला को शिकस्त, इमरान को शिकस्त, सिलेक्टेड को शिकस्त। तब उनको ख्याल आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही कर रही। हमने तो कराची में इमरान खान को अपना जीता हुआ सीट पहला पोजीशन से लेके छठा पोजीशन पे पहुंचाया। उनको खुश होना चाहिए था, मिठाइयां बांटनी चाहिए था। उल्टा हमसे लड़ पड़े कि आपने क्यों गिराया, हमने गिराना था। हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान को एक इंच का स्पेस नहीं देंगे। हम ना किसी का पांव पकड़ेंगे, ना किसी इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। और जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को अपने ही घर में, अपना ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेनेट इलेक्शंस के दौरान नेशनल असेंबली से शिकस्त दिलवाया, इंशाल्लाह ताला आगे जाके भी उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हमने तो सोचा कि हम बजट में भी उनको टफ टाइम देंगे, बजट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा तादाद आएंगे। हमने तो सदर जरदारी साहब को हॉस्पिटल से लेकर आए, हम खुर्शीद शाह साहब को जेल के पाबंदी सलासल से जेल से लेकर आए, पूरा ताकत का मजाहरा किया, इधर देखा उधर देखा, फिर से हमारे दोस्त गायब। उम्मीद है आप शहबाज शरीफ साहब अपने उन सारे तमाम के तमाम मेंबरान नेशनल असेंबली जो बजट के दिन गायब थे, जो बजट के दिन जब मुआशी फैसला इस मुल्क के हो रहे थे तो इमरान खान को ओपन फील्ड दिलवाया था, हर एक एक को वो शो कॉज नोटिस दिलवाएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि मौलाना साहब जो इतना सख्त रवैया रखता है और तरीका रखता है, वो अपना वो चार मेंबरान को पकड़ेंगे जो उस दिन गायब थे जब इस मुल्क के मुआशी फैसले हो रहे थे। हम उम्मीद रखते हैं कि बहैसियत पीडीएम का सदर, वो उन पीडीएम के नुमाइंदे, उन पीडीएम के ओहदेदार जो शुरू का वोट के लिए भी गायब था, आखिरी वोट के लिए भी गायब था, मगर हाउस में मौजूद था, उसको भी शो कॉज भेजेंगे कि कोई नहीं इमरान खान को इस तरीके से फिर ओपन प्लेइंग फील्ड दे, खुला प्लेइंग फील्ड दे, खुला मैदान दे कि वो आवाम के खिलाफ जो मुआशी पॉलिसीज बनाना चाहता है वो पास करवा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं उसको नहीं छोड़ा, कहीं हमने उसको नहीं छोड़ा और आइंदा भी उसको नहीं छोड़ेंगे। जीत हार इलेक्शंस में तो अल्लाह ताला का फैसला है, आपका फैसला है, लेकिन हम उनका ओपन फील्ड ना गिलगित में छोड़े और ना आजाद कश्मीर में छोड़ेंगे। हर इलाका से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार मौजूद है, तीर मौजूद है,
इंशाल्लाह ताला हम इनको शिकस्त भी दिलवाएंगे। ओपन फील्ड देना हुकूमत को, बाकी का सियासत हो सकता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं हो सकता। मैं आप सब पर एतमाद करता हूँ, अपना वेमेंस विंग पे, अपना PSF पे, हमारे सुबाई तंजीम पे, हमारे हर एक कारकुन पे, कि हमें किसी और का जरूरत भी नहीं है। आप अपना जिद्दोजहद तेज करो, आप अपना मेहनत तेज करो, इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल आपका होगा। अवाम उनके साथ देंगे जिन्होंने इमरान का मुकाबला किया, इमरान उनके साथ देंगे जिसने मुश्किलात सहकर इमरान का मुकाबला किया। अवाम उनके साथ नहीं देंगे जिन्होंने या हुकूमत को उनको लावारिस छोड़ा या ऑपोजिशन को उनको लावारिस छोड़ा। हम अगर इत्तेहाद की सियासत करते हैं, अपने ऑपोजिशन के सियासी जमातों के साथ सियासत करते हैं, तो अवाम के मुफाद के लिए, अवाम के हक के लिए, अवाम को आज़ादी दिलवाने के लिए। आज भी वो हमारे मौकिफ पे आ जाए, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकिफ पे आ जाए कि वज़ीर पंजाब का चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद होगा और फिर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद होगा। हमारे मेंबर्स भी हाजिर हैं, मैं उनको यकीन दिलवाता हूं कि हम आपके लिए काम करेंगे। आप बस वोट दिलवाएं, आप वोट दिलवाएं, हम इनको गिराएंगे जैसे पहले हमने गिराया था। लेकिन अगर आपने सिर्फ सियासी इत्तेहादों इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस कठपुतली हुकूमत को भगा सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाल सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कश्मीर का सौदा रोक सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अवाम का मसाइल हल कर सकता है। इमरान आजकल कह रहा है, इमरान कल आजकल कह रहा है कि हम अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे। मैं इमरान खान को बताना चाहता हूं, इमरान खान को बताना चाहता हूं कि ये आपका फैसला ही नहीं है। आपका कौन सा बेसिस खुले हुए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में तमाम बेसिस बंद कर दिए थे। अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम का कैसे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कदम था, हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप यू टर्न ले, कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले से पीछे हटे। अगर हमने ये फैसला किया, पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि बेसिस नहीं होंगे, तो ना अमेरिका के लिए बेसिस होंगे, ना किसी और के लिए बेसिस होंगे। ये पीपल्स पार्टी का फैसला था, ये इलेक्टेड नुमाइंदे के फैसले थे। तू तो सिलेक्टेड हो, तू तो कठपुतली हो, तुमसे तो पूछते भी नहीं, तुमसे तो फोन कॉल तक का रब्ता भी नहीं होता है। वो पीपल्स पार्टी का दौर था जब सिलेक्ट नहीं इन अवाम के वोटों के ताकत पे हुकूमत बना था। जब अवाम के वोटों के ताकत पे हुकूमत बनता है, तो ना सिर्फ भारत के आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सकता है, हाँ हम अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर भी जवाब दे सकते हैं। जब सलाला के बाद पाकिस्तान के ऑफिसर्स के शोधा के बाद, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पार्लियामेंट ने फैसला लिया, पार्लियामेंट ने एक पोजीशन लिया कि आपकी बेसिस भी बंद होगा, नेटो का रूट भी बंद होगा, आपको माफी मांगना पड़ेगा वरना आपका काम नहीं चलेगा। और पूरी दुनिया की तारीख में एक ही एग्जाम्पल है कि अमेरिका ने कभी कोई गलती माना। दुनिया की तारीख में एक ही एग्जाम्पल है कि अमेरिका ने ना सिर्फ गलती माना मगर माफी मांगा, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान के पार्लियामेंट से, पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगा गया। अब भी जो भी हमारे सरजमीन के फैसले होंगे, जो भी हमारी रीजन के फैसले होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ तब ताकत रखेंगे, तब मायना रखेंगे
जब ये फैसले पार्लियामान में हो, जब ये फैसले अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करें, अगर कोई और ये फैसला करेंगे तो इन फैसले में कोई ताकत नहीं होगा। हम जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का सिलसिला चल रहा है, हम समझते हैं कि ये तो एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट आगाज़ है, अच्छा आगाज़ है। इंशाल्लाह ताला हम हर फैसला पार्लियामान से करवाएंगे, नेशनल असेंबली से करवाएंगे, आपके रात के अंधेरों में और पीठ पे पीछे करने वाले फैसले जो इमरान खान करते हैं, ऐसे हमारा सियासत नहीं है। खान साहब ने तो वादा किया था, आपसे वादा किया था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, कश्मीर का सफीर बनकर पूरी दुनिया में आपके पैगाम पहुंचाएगा। रात के अंधेरों में ऑर्डिनेंस निकालता है। हमें जब पता चलता है, हम पढ़ते हैं तो ऐसे इस पे नजर आता है कि सफीर बनने के बजाय, कश्मीर के सफीर बनने के बजाय वो तो कुलभूषण का वकील बनने की कोशिश कर रहा है। हम कभी आपके पीठ पीछे कोई दूसरा काम करें और आपके सामने कोई दूसरा बात करें, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत हो नहीं सकता। ये मेरा आपसे वादा है, कश्मीर के नौजवान से वादा है, कश्मीर के अवाम से वादा है कि मैं जो आपसे कहता हूँ वो मेरा सियासत होगा। मैं अपने बात पे कायम रहूँगा और वही बात पे हुकूमत में आके इंशाल्लाह ताला अमल भी करना कोशिश करेगा। ये जो यूटर्न की सियासत है, ये जो तब्दीली की सियासत है, ये जो नया पाकिस्तान की सियासत है, ये सियासत आप भगाएंगे। आप अपने वोट के ताकत से इंशाल्लाह ताला अपना वोट के ताकत से कठपुतली वालों को भगाएंगे और सिर्फ तीर को वोट देंगे, सिर्फ तीर को वोट देंगे। इसलिए आपको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन करने को तैयार है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम का मसाइल हल करने को तैयार है, और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस सरजमीन के साथ, इस सरजमीन के अवाम के साथ वफादारी निभाया है, और इस सरजमीन के अवाम ने 3 नस्लों से इस ख़ानदान के साथ, इस जमात के साथ आपने वफादारी निभाया है। इंशाल्लाह ताला हमारा मुस्तकबिल के साथ है, हमारा कल भी साथ है। हम मिलके सियासत करेंगे, हम मिलके जिद्दोजहद करेंगे, और जो हमारे बड़ों ने वादा किया, जो कायदे अवाम ने आपसे वादा किया, जो बीबी शहीद ने आपसे वादा किया, उनका नाम मुकम्मल मिशन मैं और अपने कश्मीरी बहन भाइयों मिलकर मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह ताला 25 जुलाई को आप तीर को वोट डालेंगे, आप तीर पे थप्पा लगाएंगे, सरदार अमजद यूसुफ साहब को आप मुंतखब करवाएंगे। आप जानते हो कि पिछले बार तो सरदार अमजद यूसुफ साहब हमारे हुकूमत में पहले MLA तो नहीं बना, मगर अगर आपके सड़कें हैं, आपके लिए 4 ब्रिजेस हो, आपका पानी का मंसूबा हो, वो तो MLA हुए बगैर वो काम शुरू किया था। इंशाल्लाह ताला आप MLA बनाएंगे, आप सरदार अमजद यूसुफ साहब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे तो वो घर घर भी पानी पहुंचाएगा। इंशाल्लाह ताला वो आपके तालीमी इदारे भी बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए भी मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स खड़े करेंगे, जहां मुफ्त दिल का इलाज भी हो, मुफ्त किडनी और लिवर का इलाज भी हो। इंशाल्लाह ताला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे तो आपको अवामी हुकूमत मिलेगा, जो अवाम का मसाइल हल कर सकती है, जो अवाम का दुख समझती है, जो अवाम का मुश्किल समझती है, और हम मिलके ये मसाइल हल करेंगे। तो आप मुझसे वादा करें कि 25 जुलाई को आप पूरी ताकत से बाहर निकलेंगे, आज से लेके 25 जुलाई तक आप घर घर जाएंगे, आप बासपोर में एक भी घर नहीं छोड़ेंगे, हर घर पे जाके खटखटाएंगे और बोलेंगे कि बिलावल भुट्टो आया था, हमसे वादा किया था,
अब घर घर जाके बताएंगे, घर घर जाके बताएंगे कि जो वादे आपसे कायदे अवाम ने किए थे, जो वादे कायदे अवाम की बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की थी, जो वादे रहे हैं, जो नामुकम्मल मिशन है हमने मिलके मुकम्मल करना है, हमने मिलके मुकम्मल करना है। और इंशाल्लाह ताला आप 25 जुलाई को अमजद यूसुफ साहब को मुंतखिब करेंगे। साथ के इलाके से सरदार याकूब साहब दो दो सीट से लड़ रहे हैं, अपने दो दो सीट से जितवाना है। साउद सादिक साहब को भी आपने जितवाना है, भारी अक्सरियत से जितवाना है। आपने 25 जुलाई को तीर पे थप्पा लगा के बाकी सब को बकाना है, कदबुटली को बकाना है, बकाना है, बकाना है, बाकियों को भी बकाना है। हम पाकिस्तान की सीटें 12 हैं, इंशाल्लाह वो भी उसमें, इंशाल्लाह। पूरा पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तो पूरा मुल्क भर में होते हैं। आपके यहाँ भी सीट्स हैं और पाकिस्तान में भी सीट्स हैं। इंशाल्लाह ताला हम हर सीट में मुकाबला कर रहे हैं, हर सीट में अपने तीर का निशान ढूंढना है और तीर पे थप्पा लगाना है। अब्बासपुर का निशान क्या, आज़ादी का निशान क्या, जीत का